पोहे बन रहे हैं आज, मैं तो इसी को सरसों का साग बोलती हूँ कनाडा के लैंग्वेज में। कम एंड टैप ऑन आवर शोल्डर्स, जो मैं कभी नहीं भूलती। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सैटरडे की सुबह है और जब बहुत लंबे गैप के बाद वर्कआउट स्टार्ट करो ना, तो बॉडी पेन इतना ज़्यादा होता है, स्पेशली लेग्स मसल्स इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे। तो मॉर्निंग में उठ के गरम गरम पानी से नहाया गया है, तब जाके एनर्जी आई है और अब लग रही है चाय पीना है। वीकेंड में चाय पीती हूँ ना, हमारा माइंड भी कैसे रहा बिल्कुल ट्यून इन होता है। अब देखो पूरे वीक इतना कुछ मन नहीं करता, बट क्योंकि माइंड को पता है कि वीकेंड में चाय पीती हूँ तो होता है सुबह से उठ के चाय पीना, बट अभी नहीं पीऊँगी, पहले ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। पोहे बन रहे हैं आज ब्रेकफास्ट में, खूब सारी सब्जियाँ डाल के, तो पोहा और चाय साथ साथ पीएंगी, क्योंकि पोहा मुझे थोड़ा सा ना ड्राई लगता है, तो चाय के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। कल रात को काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो मैंने कास्ट आयरन के इस पैन में सब्जी बनाई थी और इसको वॉश नहीं किया, तो ये डिश वॉशर में नहीं जाता, हैंड वॉश होता है। और जैसे ही सब्जी बनाओ तुरंत इसको ठंडा करके धो लो, इसके लिए वही अच्छा होता है, बट कभी कभी अगर रह जाता है तो कोई बात नहीं, अभी इसको क्लीन कर लेते हैं। बट हाँ, पानी में सोख करके इसको नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ना वो रस्ट लग जाता है। यहाँ पे हमेशा फ्रेश करी पत्ता तो मिलता नहीं है, तो इंडियन स्टोर में मुझे मिल गया था, तो मैं दो पैकेट ले आई, एक पैकेट तो रेगुलरली यूज़ किया और एक पैकेट मैंने ऐसे ही ना फ्रीज कर दिया था। और इसमें ना अभी भी खुशबू बनी हुई है और लीव्स पूरे ब्लैक नहीं हुए, थोड़े थोड़े ग्रीन हैं अभी भी। आज बच्चों का बर्थडे पार्टी है, वैसे येशा का फ्रेंड है बट क्यूश को भी बुलाया क्योंकि उसकी जो सिस्टर है वो छोटी है, तो जानबूझ के बुलाया कि छोटे बच्चे एक साथ अलग से बिजी हो जाए, नहीं तो छोटे बच्चे हमेशा बड़े बच्चों को परेशान करते हैं ना, इसलिए तो उनको ड्रॉप कर दिया था। अभी जाएंगे ग्रोसरीज के लिए, काफ़ी टाइम हो गया कि अच्छे से ग्रोसरी करनी है, इंडियन स्टोर भी जाना है, सुपर स्टोर भी जाना है और कॉस्को तो जाना ही जाना है। मैं कभी अनुज को बोलूँ ना कि सुपर स्टोर से ही ले लेते हैं सारा कुछ, बोलते नहीं नहीं कॉस्को तो जाना ही है। स्नो नहीं पड़ रही, ठंड नहीं पड़ रही, लो जी आ गई ठंड, पर फिर भी बहुत बेटर है, जो दिसंबर में ठंड पड़ती है शुरू में वो है अभी, पर हाँ नो कंप्लेंट्स, थोड़ी सी ठंड पड़नी चाहिए और स्नो भी दिखनी चाहिए, अच्छा लगता है। विंटर्स के मज़े भी लो ना, सिर्फ समर्स के मज़े क्यों, अभी आएंगे ना जनवरी ठंडा होने, जनवरी ठंडा होने। और हाउ वाज एडमंटन? मजा आया ट्रैफिक में? ट्रैफिक की बात छोड़ो, प्लेन की बात बताओ। कल इन्होंने आके मुझे बताया, मैं हंसते लोटपोट। अब एक दिन के लिए जाना था तो ड्राइव करके जाना, वैसे भी इस वेदर में पॉइंट नहीं बनता। तो एक ना नया, ये लास्ट ईयर से शायद ओपन हुआ है ये वाला एयरलाइन, पुराना है हमें नहीं पता था, पुरानी एयरलाइन है लेकिन हमने कभी यूज नहीं की क्योंकि हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी इस रूट पे जाने की। सेंट्रल माउंटेन एयर तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं टिकट्स, क्योंकि नहीं इन कंपैरिजन टू अदर जो फ्लाइट्स है उसके कंपैरिजन में अफोर्डेबल, बट अदरवाइज ये भी अफोर्डेबल नहीं है।
वेस्ट जेट और एयर कैनेडा इसके कंपैरिजन में अफोर्डेबल है, बट वो सब बात छोड़ो, बहुत छोटी सी फ्लाइट होती है और सीट्स कैसे होते हैं। अच्छा पहले ये बता देता हूँ कि मतलब अब फायदा इसका क्या है इस फ्लाइट का, क्योंकि डायरेक्ट जाती है प्रिंस जॉर्ज से एडमिंटन। ओके, बट जो बाकी फ्लाइट्स हैं जो मेजर ये एयर कैनेडा और वेस्ट जेट जो ये है ये घूम के जाती है, ये जाती है वैंकूवर से फिर एडमिंटन, सब घुमाती है तो उसमें टाइम लगता है डबल और प्राइस भी है डबल काइंड ऑफ। और ये वाली फ्लाइट इसमें क्योंकि डायरेक्ट है तो 1.5 घंटे में आप एडमिंटन पहुंच जाते हैं, तो वही एक पर्पस था ये फ्लाइट लेने का, क्योंकि टाइम बचाना था कि मुझे एक दिन में अप एंड डाउन करना था और वापस आ जाता। तो ये थी स्टोरी टिकट लेने की, क्यों हमने सेंट्रल माउंटेनिंग लिया। और फ्लाइट की स्टोरी जाता हूँ एक्साइटमेंट, बट जो एक्सपेक्टेशन होती है कि अभी आप फ्लाइट में जा रहे हो तो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो सारी की सारी धुल गई थी। वेट कर रहे चलो कि फ्लाइट आएगी आएगी, तो देखा कि अनाउंसमेंट होगी कि फ्लाइट मतलब प्लेन में बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो मैंने कहा यार प्लेन तो दिख नहीं रहा आसपास, दिख रहा प्लेन नहीं दिख रहा कि बोर्डिंग की अनाउंसमेंट होगी कि चलो भैया बोर्ड करो। तो जब बाहर निकले तो मैंने देखा एक छोटू सा प्लेन, मैंने कहा अच्छा ये है प्लेन। तो बाहर जब चढ़ने लगे तो अंदर में चढ़ा और मैंने देखा एक सीटियां बीच में आयल, एक सीटियां मतलब टोटल दो सीट है मतलब इस तरफ में अलग अलग वन एक एक इस सब तरफ सबको विंडो सीट मिलेगी, सबको विंडो सीट मिलेगी, सबको आयल सीट मिलेगी कोई वो लड़ाई नहीं कि भैया मुझे आयल चाहिए मुझे विंडो सीट। मैं तो इमेजिन कर सकते हैं, मुझे ट्रैवल करना है इसमें, बड़ा मजेदार लग रहा है ये तो। इतनी छोटी सी फ्लाइट मतलब मैंने फिर काउंट किया इसमें सीट्स कितनी है, उसमें 18 पैसेंजर सीट थी और 2 पायलट और को पायलट की, और जब आप सीट पे बैठे हो सामने आपको दिख रहा है को पायलट और पायलट करके रहे, उनके पूरे सामने जो है डायल्स जितने भी गेजेस है सब दिख रहे हैं कि ऐसा क्या किसको लीवर को दबा रहे हैं। मैंने कहा ये तो वाली फीलिंग आ गई जब हम नोएडा में आते थे ना तो ऑटो से जाते थे तो ऑटो का ड्राइवर ऐसे बैठा उसके पीछे बैठा तो वैसी फीलिंग आई। फिर अनाउंसमेंट करने के लिए को पायलट आया, उठ के आया कि ओके दिस इज द फ्लाइट, हम लोग यहाँ जा रहे हैं, इतने घंटे में पहुंचेंगे, इफ यू हैव सेनी एनीथिंग प्रॉब्लम, अगर आपको हीटिंग और कूलिंग में कुछ प्रॉब्लम लग रही है कम एंड टैप ऑन आवर शोल्डर्स। अरे ये तो एग्जैक्टली वही है जैसे ऑटो वाले भैया को बोलते भैया यहाँ पे रोकना। मैं यही बोल रही थी कि अरे फिर तो बोल सकती कि अरे एक मिनट एक सेकंड रोकना, यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है, फोटो क्लिक कर। पर मजेदार है, बड़ी फैमिली है और फ्रेंड्स हैं सारे, सारे मिलके एक ही दिन में सीट बुक करो, पूरी फ्लाइट आपकी। शादी में नहीं जाते हैं ट्रेन में, ट्रेन की पूरी बॉगी बुक करके, वैसे ही पूरी फ्लाइट बुक करके चलो। Exactly. क्या मजा आएगा, नहीं इमेजिन करके देखो पूरी फ्लाइट अपनी। स्वागत है दोस्तों आपका हमारी सब्जी मंडी में। जब भी मैं सब्जियां लेके आती हूँ ना ऐसे ही सजा के रखती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना मुझे कलरफुल देखने में। देखो हमारे किचन के काम घर के काम रोज करते करते वो काइंड ऑफ बोरिंग तो हो ही जाता है, बट ऐसे ही छोटे छोटे पलों को अगर हम एंजॉय करें तो वो कहते हैं ना लाइफ में नमक बना रहता है। मिनी आ गई, खूब एंजॉय किया आज बर्थडे में, इसलिए थक गया टायर्ड हो गया। हाँ जी चल रेस्ट कर लो। तो खूब सारी हरी हरी सब्जियां मिली हैं हमें सुपर स्टोर से, जो भी हमारे इंडियन वेजीज होते हैं उसके लिए तो सुपर स्टोर ही बेस्ट होता है, वहीं जाते हैं। कॉस्को आज नहीं भी जाती तो चल जाता, बट अनुज को जाना ही होता है तो मैंने दूध वहां से ले लिया। वैसे बटर भी लेना था मुझे, घी बनाना है ना, तो बटर मैं हमेशा वहीं से लेके आती हूँ, अच्छे प्राइस में मिल जाता है और मोस्टली वहां पे जो वाला बटर हम लेके आते हैं उस पर सेल होती ही है। तो मेथी मिल गई
और खूब सारा धनिया। तो जब भी धनिया मिलता है ना, मैं 3 बंच लेके आती हूँ और अच्छे से उसको सुखा के और फिर पेपर नैपकिन में रैप करके रख दूँ ना, आराम से 2 हफ्ते तक चल जाता है। और अगर चटनी बनानी है तो फिर वो भी बना लेती हूँ। स्प्रिंग अनियंस मैं लेके आ जाती हूँ, कोई भी राइस में डालना हो, सब्जी में डालना हो, और कोई भी चिली टाइप, चिली पनीर टाइप्स कुछ बनाती हूँ तो उसमें तो ऐड करना ही होता है। ऊपर से ग्रीन ग्रीन भी अच्छा लगता है। बैगन मैंने हमेशा आप लोगों को बताया बहुत यूज़ होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि रात को मान लो दिन की सब्जी है या फिर बच्चों के लिए कुछ और डिफरेंट सा बना है तो पापा तो खा लेते हैं, बट मम्मी वैसे मसाले वाला या फिर दिन का उनको रात को नहीं होती, फ्रेश बनाती हूँ। तो उस टाइम पे बैगन भाजा बड़े काम की चीज़ होती है कि बस एक के लिए बनाना है तो तब ये यूज़ हो जाता है। वैसे बैगन भाजा मुझे और येशा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी मम्मी पापा के लिए बनता है मैं और येशा ज़रूर खाते हैं। क्यों शर अनुज को इतना ज़्यादा नहीं पसंद? मूली के पराठे खिलाए जाएंगे पति को, तो बहुत टाइम हो गया था मूली के पराठे नहीं बनाए थे। और मम्मी ना मूली की एक सब्जी बनाती है बहुत टेस्टी लगती है, अभी 1-2 दिन पहले ही मम्मी ने बनाया था, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये वाला कद्दू लेके आई हूँ, सुपर स्टोर से ही लाई इस बारी, कॉस्को में नहीं दिखा मुझे। कॉस्को में तो 2 का पैक मिल जाता है और कद्दू तो बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश ही रहता है ना, पर इस बारी सुपर स्टोर से लेके आई हूँ। और ये बेबी स्पिनच का पैक मैं हमेशा कॉस्को से लाती हूँ, अच्छा चल जाता है और छोटे छोटे हैं ना तो बढ़िया यूज़ हो जाते हैं। और आधे का तो मैं पेस्ट बना के रख देती हूँ, पैनकेक में यूज़ करती हूँ, बच्चों के पालक पनीर में तो हो ही जाता है। और मुझे साग मिला, सरसों का साग, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। कनाडा में जब भी मैंने सरसों का साग बनाया ना, मैंने यही 2 कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ। लाइक ननाइमो में मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, उससे पहले मैं सिर्फ ये और ब्रोकली यूज़ करती थी, और उसके बाद से लाइक ननाइमो के बाद से ये दोनों यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों ही सुपर स्टोर में मिलते हैं। ये बेसिकली इसको ना ब्रोकली रेब बोलते हैं। तो ये जो साग होता है ना, टेस्ट तो बिल्कुल सरसों के साग का ही होता है, तो मैं तो इसी को सरसों का साग बोलती हूँ कनाडा के लैंग्वेज में, और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लाइक अनुज को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको अगर अच्छा लगता है इसका मतलब साग जैसे होता है। और यहाँ पे तो हर कोई मैंने देखा है इसी से साग बनाते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन और पालक ऐड करती हूँ, मेथी भी ऐड कर सकते हैं बट मैं ज़्यादातर मेथी नहीं ऐड करती हूँ। वैसे इसको भी ये नाम है, आप देख लो इन केस आप लेना चाहो तो। सुपर स्टोर में ना वेजिटेबल का जो फ्रेश वेजिटेबल का सेक्शन होता है वहाँ पे मिल जाता है, और एक साथ बना के रख देती हूँ। और जब भी खाना होता है अनुज को तो थोड़े थोड़े का तड़का लगाती हूँ मैं। सबको इतना ज़्यादा नहीं पसंद है बट अनुज इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए ये बनाना। और स्ट्रॉबेरी काफ़ी फ्रेश मिल रही थी तो बच्चों के लिए ये ले लिया गया है। वैसे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है हमारे घर पे, तो ख़राब नहीं होता है, बट इन केस आपको लंबे टाइम तक रखना है ना तो वही पेपर नैपकिन में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का ना यही होता है कि अगर मॉइस्चर रह गया तो ख़राब हो जाता है। तो उसको पहले बिल्कुल अच्छे से सुखा लो और फिर इधर कपड़े में रखो जो कॉटन का कपड़ा होता है, या फिर पेपर नैपकिन में। अरबी मैं बहुत टाइम के बाद लाई हूँ, मैं सोचा थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, कुछ और सब्ज़ी खाते हैं, बोरिंग ही हो जाता है कभी कभी ना, समझ में नहीं आता है कि बनाओ तो क्या बनाओ। वैसे ही यहाँ पे प्रिंस जॉर्ज में थोड़ी लिमिटेड सब्जियाँ ही मिलती हैं। एवोकाडो ये रहेगा बाहर, क्योंकि अभी ये कच्चा है और जब पक जाता है फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे रील्स देखे हैं कि कच्चा है अगर आपका एवोकाडो तो थोड़ी देर माइक्रोवेव करो और वो पक जाएगा, मैजिकल है बिल्कुल, मैंने कभी वैसे ट्राई नहीं किया है। और ये छोटे वाले आलू, इन छोटे वाले आलू का ना आलू दम मटर डाल के बहुत टेस्टी लगता है। कभी कभी सिंपल सब्जियां ना, स्पेशली आलू की जो सब्जियां बनाती हूँ ना, मैं मोस्टली बहुत सिंपल वाली बनाती हूँ और तभी टेस्ट लगता है, मज़ेदार लगता है। और देखो मैं इतना बड़ा पैक लेके आई हूँ एप्सम सॉल्ट का, बस इसी से अब रोज़ नहाया जाएगा। नहीं एक्चुअली ना मुझे चाहिए था थोड़ा सा ही बट मिला नहीं सुपर स्टोर में, छोटा पैक। और सिर्फ एक चीज़ के लिए किसी और स्टोर में जाने का मतलब नहीं था, वैसे तो बल्क बांड से मैं थोड़ा सा उठा सकती थी, फिर मैंने सोचा कि ठीक ठाक ही पैक है तो इसमें रहेगा आराम से, कोई ये ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा है ना, तो बाथ टब में पानी भर के और फिर ये एप्सम सॉल्ट डाल के आप थोड़ी देर सो करके बैठो, काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। इनफैक्ट पैर में अगर पेन हो रहा हो तो बकेट में पानी, गर्म पानी भर लो और फिर उसमें ये डाल के और पैर डुबा के बैठे रहो, जैसे पहले हम सेंधा नमक डालते थे ना जो हमारा देसी इलाज होता था, तो वैसे ही होता है ये एप्सम सॉल्ट। इसमें इनफैक्ट लिखा ही होता है कि इनक्रीजेज द रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑफ अ वार्म बाथ,
आफ्टर एक्सरसाइज मेरे लिए ये बाथ सॉल्ट्स दैट जेंटली एक्सफोलिएट द स्किन, तो स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए भी अच्छा होता है. बेसिकली ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट. केमिस्ट्री क्लास याद आ गया. कॉस्को जब भी जाती हूँ कपड़ों के सेक्शन में एक बारी मैं चली जाती हूँ, कुछ अगर पसंद आ गया. और कॉस्को की सबसे अच्छी बात यही होती है कि फिटिंग हो नहीं हो, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, रिटर्न हो जाता है. तो आके मैं ट्राई कर लेती हूँ फिर रिटर्न कर देती हूँ, क्योंकि हर वीक तो जाना होता ही है. तो समर्स के कपड़े आना स्टार्ट हो गए हैं, तो प्योर कॉटन का जिस तरह का मुझे अच्छा लगता है, ये लॉन्ग शर्ट स्टाइल है जो कि ना मुझे कुर्ता स्टाइल लगा. दिल्ली रहते मेरा ये फेवरेट अटायर होता था, आई थिंक मैंने पहले भी बताया, जीन्स और ऐसी लॉन्ग कुर्ता कॉटन का. और स्पेशली सॉलिड कलर के कुर्ते मुझे बहुत अच्छे लगते थे. स्पेशली मैं पैंटलून से लेती थी. लाजपत नगर में एक शॉप था सभ्यता, बहुत फेमस ब्रांड बन गया है अब तो वो, उसके भी कॉटन के मटेरियल होते, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. कोल्हापुरी चप्पल, वो लाजपत नगर वाली जो वो झोले टाइप वाले जो बैग होते हैं वो बैग, लॉन्ग कुर्ता और जीन्स, ये होता था मेरा डेली वेयर और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था. तो मैंने ये लिया, मैंने पहन के नहीं देखा है, देखूँगी. बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स थे बट स्मॉल बस इसी कलर में बचा हुआ था और एक डीप नेवी ब्लू में बचा हुआ था, तो वो कलर मुझे अच्छा नहीं लगा. ये लैवेंडर कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैं पहन के देखूँगी, अगर अच्छा लगा तो ये रहेगा, फिर आप मुझे देख लोगे इसमें, अदरवाइज रिटर्न कर दूँगी. बट मुझे ये देख के याद आ गया अपने दिल्ली वाले पल जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ. तो चलिए दोस्तों, इन सब्जियों के साथ, हरी भरी सब्जियों के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. कल है संडे तो कुछ अच्छा सा बनाऊंगी और साग तो डेफिनेटली मैं कल ही बना के रख दूंगी, तो कल अनुज की पार्टी हो जाएगी. तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी रिकमेंड कर सकते हो इनकेस आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं. तो चलिए मिलती हूँ आपसे जल्दी जल्दी.